सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो और आप सभी का स्वागत है एक और सोलो वी स्क्वाड की वीडियो में। तो गाइस, ये वाली वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, कुछ लोग कह रहे थे कि आप टिप्स एंड ट्रिक्स कब ला रहे हो, तो गाइस टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत जल्दी आने वाली है। और कुछ लोग कह रहे थे कि सोलो वी स्क्वाड की स्ट्रैटेजी भी लाओ, तो गाइस उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, दोनों वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, साथ ही साथ Q&A भी आने वाला है। तो ये अपडेट्स थे मुझे जो आपको देने थे। तो गाइस आप देख सकते हो ये वाले सोलो वी स्क्वाड में मैं पहले कंटेनर्स उतरता हूँ यहाँ पर। तो गाइस जैसे मैं कंटेनर्स उतरता हूँ मेरे को यहाँ पे लेवल 2 की वेस्ट मिल जाती है और यहाँ पर मुझे DP भी मिल जाती है, तो मेरे पे गन वेस्ट दोनों थी। आप देख सकते हो मेरे सामने दो स्क्वाड उतरी, बट वो दो स्क्वाड एक साथ ही उतर के तो मे भी उनकी गन फाइट हो सकती थी। तो मैं यहाँ पे भी लूटता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक स्क्वाड आ चुकी थी, वो लोग थोड़े लेट लैंड किए, तो गाइस मैं बहुत लकी था कि मुझे गन मिल गई। तो गाइस जैसा कि मैं बता रहा था, एक स्क्वाड यहाँ पे लेट से आई, तो मैं बहुत लकी था कि मुझे गन मिल गई और लेवल 2 की वेस्ट मिल गई, हालांकि मिलती नहीं है जल्दी। तो गाइस आप देख सकते हो मैं बहुत लकी था कि उतरती मुझे DP मिल गई थी, तो मैं लकीली इन बंदों को मार पाया। इनके पास गन नहीं थी, ये बहुत लेट से लैंड हुए थे और मेरे पास अभी एमो नहीं है, तो इसीलिए मैं डैम फायर कर करके इस बॉट को मार रहा हूँ। और मैं इस बॉट को फिनिश करने में भी अपना एमो वेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पर अभी और बंदे थे, मुझे आगे से शॉट्स आ रहे थे, यहाँ पर 3 स्क्वाड उतरी थी टोटल। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ और गाइस मैं सर्च करता हूँ कि बंदा कहाँ पर, यहाँ से बैरल्स के शॉट्स आ रहे थे। तो देख सकते हो ये बंदा ऊपर चढ़ा हुआ था, तो मुझे दिख गया था, तो इस बंदे को भी मैं यहाँ से नॉक कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, इस ये बंदा नीचे कूद जाता है, तो यहाँ पे मैं इसको पूरा फिनिश कर देता हूँ। और मैं फिर यहाँ पे एक्चुअली कितनी स्क्वाड्स बची हुई हैं ये मैं देखता हूँ यहाँ पर, और मुझे लूट्स भी चाहिए थी, मेरे पास एमओ नहीं था। मेरे पास आप देख सकते हो 5.56 का एमओ सिर्फ 20x0 था, तो मैंने सोचा कि ये गन चेंज कर लूँ मैं अभी, क्योंकि मेरे पास एमओ नहीं है। तो गाइस यहाँ पर भी एक बंदा था जो कि बच के भाग रहा था, तो उसको भी मैं इजीली मार देता हूँ। तो वहाँ पे मुझे पता चल गया था कि ये डायरेक्ट किल हुआ था, तो मतलब इसकी स्क्वाड मर चुकी है, एक स्क्वाड मैंने मार दी। तो अब पॉसिबिलिटीज थी कि यहाँ पे 2 स्क्वाड बची हुई है, या 2 स्क्वाड पूरी नहीं, थोड़े बंदे बचे हुए हैं। तो गाइस देखो यहाँ पर मुझे एक बंदा दिखता है, तो मैं इसको ऐसे नहीं मारता, मैं वेट करता हूँ। अभी आप देखो यहाँ पर गाइस होगा क्या, इसने बॉट को मारा, तो मैं वेट करता हूँ कि ये जब बॉट लूटने जाएगा तब मैं इसको मारूँगा, क्योंकि ये पूरा ओपन में आएगा, तो साथ ही साथ इसका टीममेट भी आ जाता है। तो गाइस आप देख सकते हो इजीली मैं इन दोनों बंदों को भी मार देता हूँ। तो मैं यहाँ पे वेट करता हूँ, मैं बॉट पे फायर नहीं करता, पहले ना ही उस बंदे पे करता, मुझे पता था, मैं बिल्कुल इतना श्योर था कि कोई भी अगर बॉट मारता है तो वो बॉट की लूट लेने जाता है, तो जैसे ही ये ओपन में आएगा मैं इसको मार दूंगा ईजिली। तो गाइस यहाँ पर मुझे एक और बंदा दिखता है, तो अब मुझे पता था कि ये जो शायद बंदा है ये या तो अकेला बचा है। तो गाइस मैं थोड़ा पीछे की तरफ जाता हूँ यहाँ पे उनकी लूट लेने, क्योंकि मेरे पास लूट नहीं थी, और लूट लेके मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, ऊपर चढ़ता हूँ कंटेनर्स की तरफ से, तो वो बंदा मुझे देख लेता है। आप देख सकते हो उसने मुझे देख लिया, स्पॉट कर लिया, वो ADS खोल के बैठेगा यहाँ पर। तो गाइस इस बंदे को भी मैं मार देता हूँ, मैं ऊपर से ADS खोलता ही नहीं, मतलब मैं ऊपर से शॉट्स लेने की ट्राई करता ही नहीं, सीधा नीचे आ जाता हूँ, तो वो बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है मे बी। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे कंटेनर्स क्लियर हो चुके हैं, 12 किल मेरी यहाँ पर स्टार्टिंग गेम में हो चुकी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सोलो वी स्क्वाड अगर आप कभी भी खेलते हो और आपके स्टार्टिंग में ही 10+ किल्स हो जाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बूस्ट अप हो जाता है और आपके पास लूट भी अच्छी आ जाती है। बट स्टिल आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे मैं पोचिंग के से जा रहा था, मुझे लगा कि यहाँ पे स्क्वाड हाउस में बंदे होंगे, बट यहाँ पे मिले नहीं मुझे कोई बंदे, तो मैं पोचिंग के पीछे से निकल जाता हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक बग्गी मिल जाती है, आप देख सकते हो ये बंदा लैग कर रहा था, टेलीपोर्ट हो रहा था ये।
इस बंदे को भी मार देता हूँ। पता नहीं इस बंदे का क्या होता है, इसकी बग्गी रुक जाती है या फिर ये लैग कर रहा था, बट स्टिल मैं इस बंदे को मार देता हूँ और इसकी लूट लेके आगे की तरफ निकलता हूँ। और गाइज मेरे पास इस वाले गेम में 3 फ्लेयर थी मेरे पास, तो इन तीनों फ्लेयर को मेरे को चलाना था जोन में आके फटाफट। तो मैं अभी जोन में निकलता हूँ फटाफट और तीनों फ्लेयर चलाता हूँ। तो गाइस मैं जैसे ही जोन में एंटर होता हूँ, जोन के कॉर्नर में फटाफट अपना पहला काम यही करता हूँ कि सारी फ्लेयर्स चला देता हूँ ऊपर, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी अपने ड्रॉप चाहिए थे, गन चाहिए थी, तो मैं चला देता हूँ फ्लेयर। तो 2 फ्लेयर मैंने चला दी और गाइस जब मैं तीसरी फ्लेयर चलाने जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे दिखता है कि ये फ्लेयर पता नहीं कहीं पहुँच गई, कहीं और ही पहुँच गई। तो आप देख सकते हो ये तो मेरी बेकार हो गई, तो मतलब मेरे 2 ड्रॉप आने वाले हैं। तो फिर जैसे ही मेरे ड्रॉप आते हैं मैं फटाफट लूट लेता हूँ यहाँ पर ड्रॉप को, क्योंकि जल्दी से जल्दी लूटना था, कोई स्क्वाड का रश ना हो जाए उससे पहले मुझे गन्स और हेलमेट वेस्ट उठा लेनी थी। तो यहाँ पर गाइस मैं पहले क्या करता हूँ, एजी उठा लेता हूँ, बट फिर मुझे दिखता है कि दूसरे ड्रॉप में AWM है। तो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी स्नाइपिंग थोड़ी सी दिखाऊंगा, तो मैं वहाँ पर ओम उठा लेता हूँ, AWM उठा लेता हूँ और यहाँ पर वापस AUG को M4 से स्विच कर देता हूँ। बहुत बंदे बोलेंगे कि मैंने M4 से स्विच क्यों किया, तो गाइस इसलिए क्योंकि M4 क्लोज रेंज में भी काम आ जाती है और AUG थोड़ी सी मुझे सही नहीं लगती क्लोज रेंज में, इसलिए मैं M4 उठा लेता हूँ। और गाइस जैसे ही मैं जोन से जा रहा रहता हूँ, यहाँ से जोन ऑलरेडी मतलब यहाँ पे हटने वाला था, मतलब हो चुका था टच, जैसे ही मैं गाड़ी में बैठता हूँ आप देख सकते हो मेरे सामने एक बंदा आ जाता है। ये मतलब वेट कर रहा था कि मैं कब गाड़ी में बैठूँ, तो फॉर्चुनेटली ये मुझे दिख जाता है क्योंकि ये चल के भाग रहा था, क्योंकि अगर ये प्रोन होता तो मुझे नहीं दिखता। तो इस बंदे को मैं टेक डाउन कर लेता हूँ, ये नॉक हुआ था, इसका मतलब इसका टीममेट उसको कवर दे रहा होगा या फिर कहीं आसपास होगा। तो मैं उसके टीममेट की सर्च करता हूँ कि ये कहाँ पर है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे इसका टीममेट दिखा। तो गाइस मैंने ओम निकाली और एक हेडशॉट मार दिया। तो गाइस स्नाइपर का ये तो बहुत फ़ायदा होता है कि कभी भी कोई बंदा पीक वीक कर रहा है तो आप उसको मार सकते हो या फिर दूर है। स्प्रे में क्या होता है कि थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि स्नाइपर चलाऊं। आप लोग में से बहुत बंदे बोलते थे कि थोड़ा स्नाइपर चलाओ, तो इसलिए गाइस मैं थोड़ी कोशिश करूंगा कि स्नाइपर चला लूँ। वैसे मैं अच्छी खासी चलाता नहीं, मुझे बिल्कुल आती नहीं स्नाइपर चलानी। तो गाइस अब मैं जोन में जाता हूँ और मैं जोन का श्रिंक होने का वेट करता हूँ कि अब जोन कहाँ पर बनेगा, क्योंकि अभी भी यहाँ पर 15 बंदे अलाइव थे, तो मैं वेट कर रहा था कि जोन कहाँ पर बनेगा। तो इसीलिए मैं ऊपर वाली रिच पकड़ लेता हूँ और मेरी गाड़ी में फ्यूल भी नहीं था, तो मैं यहाँ पर गाड़ी चेंज करता हूँ और फटाफट जोन की तरफ निकलता हूँ। आगे की तरफ जोन बन चुका था, मैं ट्राई कर रहा था कि कोई कंपाउंड में बंदे हों तो वहाँ पे रश करना इजी हो कवर ववर लेके, क्योंकि अगर ओपन में होंगे तो मुझे रिच चाहिए होगी, ऑब्वियसली रिच चाहिए होगी तभी मैं फाइट ले सकता हूँ। ओपन में तो मैं मारा जाऊँगा अगर 4v1 हो गया तो वहाँ पर। तो गाइस मैं यहाँ पर घुसता हूँ तो मुझे आगे से गन शॉट्स की आवाज़ आती है, तो मैं ये 3 स्टोरी पकड़ लेता हूँ। मुझे पता था कि यहाँ पर बंदे होंगे या इसके आगे होंगे, यहाँ पर तो नहीं थे बंदे। तो जैसे आगे शॉट्स फायर होते तो मैं फटाफट स्क्वाड हाउस पकड़ लेता हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे एंगल मिल सकता था उन बंदों को देखने का। तो मैं फटाफट स्क्वाड हाउस में आ जाता हूँ और यहाँ से उनको देखने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे मैं स्नाइपर शॉट मिस कर देता हूँ, तो मैं वापस अपनी AR निकाल लेता हूँ और 6x लगा देता हूँ M4 में और वेट करता हूँ उनका। और एक बंदा क्रॉस कर देता है गलती से, पता नहीं ये बंदा क्रॉस कैसे कर देता है, इसने मुझे देखा नहीं या फिर ये सोच रहे थे एक ही बंदा रश कर देते हैं, ऐसा हो सकता है मे बी। तो इस बंदे को मैं यहाँ पे टेक डाउन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक नेड फेंक के चला जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको फिनिश करने के चक्कर में रह गया और उन्होंने नेड फेंक दिया तो मेरा तो GG हो जाएगा वहाँ पे, इसीलिए मैं नेड फेंक के निकल लेता हूँ। तो गाइस मुझे यहाँ पे दिखते हैं कि ओपन में भी कुछ बंदे भाग रहे हैं, तो उसको एक बॉडी शॉट लगता है, बट गलती से जो क्या होता है कि मेरी AWM पे 4x लग रहा था तो मुझे उतना दूर का दिखता नहीं है, बट स्टिल एक बॉडी शॉट लगता है। तो गाइस अभी मैं जोन निकल लेता हूँ, आप देख सकते हो मुझे पड़ रही है गोलियाँ। तो वो लोग जो जोन में भाग रहे थे जिनको मैंने ओम से शॉट मारा, तो उन लोगों ने मेरे पे ले रखा था एम। तो जैसे ही मैं गाड़ी चेंज करता हूँ और जोन की तरफ भागता हूँ तो वो लोग मेरे पे शॉट्स ले रहे थे। आप देख रहे हो यहाँ पर बंदे दोनों एकदम फील्डिंग लगा के खड़े हुए हैं कि कब जोन में आऊँगा और वो मुझे भर दें। तो गाइस मैं लकीली और वहाँ से निकल लेता हूँ जोन की तरफ। मैं जोन में थोड़ा और घूमता हूँ इधर उधर, डायरेक्ट गाड़ी नहीं रोकता कि कहीं पर कोई बंदा लेटा हुआ हो तो फिर वो मेरे को ही लिटा देगा वहाँ पर। तो इसीलिए मैं इधर उधर थोड़ा चेक कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर आ जाता हूँ वापस जोन के अंदर।
और मैं देख रहा हूँ कि आगे जो बंदे थे वो आ रहे हैं जोन की तरफ, बट जो यहाँ पे दो बंदे थे उनसे मुझे अभी फाइट लेनी थी। तो गाइस मैं यहाँ पे तो इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ, बट जैसे ही मैं इसको फिनिश कर रहा था, जैसा कि आपने देखा होगा मुझे भी यहाँ पे शॉट्स आए थे, तो मैं यहाँ पे पहले स्मोक कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे राइट लेफ्ट दोनों से पड़ना चालू हो जाए, तो फिर ये पेड़ भी कुछ काम नहीं आने वाला मेरे, तो इसीलिए मैंने हर तरफ स्मोक कर दिया क्योंकि। और गाइस देख सकते हो उसने जैसे ही नेड फेंका, मैं बहुत लक्की था कि मैं वहाँ से पहले ही निकल लिया क्योंकि मुझे दिख गया था कि वो नेड फेंक रहा है, तो निकल लिया मैं। 1 HP का बच गया, और नेड अगर उसका और थोड़ा राइट में आता तो मैं तो फट जाता। तो मैं वो तो मेरी किस्मत थी कि मैं निकल लिया, 1 HP का बच गया। तो गाइस अब यहाँ पे क्या होता है कि ये बंदा कूदने लगता है, ये एक फैन मीटअप था, हेलो तो मैं इस बंदे को छोड़ देता हेलो हूँ हेलो हेलो और हेलो आगे के हेलो बंदे ब्रो पे हेलो फोकस हेलो करता हूँ कि जो आगे से बंदे आ रहे थे, अभी भी 3 बंदे और बचे थे तो मैं उन पे फोकस करता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो आगे के भी बंदे जो है कि वो कपड़े उतार कर कूद रहे थे इधर उधर, उन्होंने अपनी ड्रेसेस फेंक दी, तो ये भी एक मीटअप ही था। तो गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट जो गेम था वो यहाँ पे अब और मज़ेदार होने वाला था क्योंकि दो टीम्स थी मीटअप वाली और मैं अकेला बचा था। तो गाइस फिर हम लोग सारे एक जगह आ जाते हैं, तो आप देख सकते हो ये भी एक फैन मीटअप था, थैंक यू ब्रो यहाँ थैंक पर यू। देख 3 बंदे एक स्क्वाड के थे और एक अकेला बंदा था और जैक्सन एक मैं था। हेलो हेलो देव जैक्सन तो भाई गाइस यहाँ देव पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम सारे पैन फाइट करेंगे, ये लोग बोलते हैं कि हमको मार दो, जैक्सन बट ऐसा गाइस भाई बिल्कुल नहीं देव करना चाहता था मैं, ये बिल्कुल अनफेयर होता कि नहीं मैं नहीं इनको मार देता, मैं हालांकि खेला मुझे हूँ किल्स मिल जाते, बट बिल्कुल ये चीज़ गलत थी, तो मैंने इनको बोला ये नहीं मैं मैं आपको वो नहीं मारूंगा, आप फेयर नहीं फाइट लो, आप पैन फाइट करो मेरे से और जो जीता वही गेम जीत जाएगा। भाई हम हम लोग मर यहाँ पे जाते हैं रेडी हो जाते भाई। हैं पैन फाइट के लिए। तो गाइज मैं पहले पैन और फाइट करने वाला था एक दिखाना बंदे से जिसने ग्रीन ब्रो कलर की ड्रेस पहन रखी है, तो हम लोग दोनों बूस्ट अप हो जाते हैं, वो भी हील कर लेता है, मैं भी हील कर लेता हूँ, बूस्ट अप हो जाते हैं हम लोग और यहाँ पे पैन फाइट करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो इस बंदे को मैंने हेडशॉट नहीं, ये शायद बॉडी शॉट था, हाँ गाइस इस बंदे को मैंने बॉडी शॉट दिया, इसने भी मेरे को एक बॉडी शॉट दिया था, इसने भी लाल कर दिया था मेरे को, बट स्टिल मैं एबल होता हूँ इसको मारने के। तो गाइस अब क्या ठीक होता है है कि ब्रो वो बंदा एक थैंक यू। स्क्वाड का होता है तो वो तो उसको रिवाइव दे देता है, बट अब मैं डिसाइड करता मैं हूँ पेन देना कि भाई तू जो अपना अकेला बंदा है पेन वो देना एक अपना। से लड़ेगा यहाँ पर हाँ और जो जीतेगा वो मुझे मार देगा। जी हाँ गाइस, तो मैं इनको ऐसा बोलता हूँ तो ये लोग रेडी हो जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हो वो अकेला बंदा लड़ रहा है, मैं एकदम नज़ारे ले रहा हूँ यहाँ पे फाइट के, एकदम नाच नाच के तो मैं उनकी फाइट देख रहा था। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, जो अकेला बंदा रहता है वो तो पता नहीं उस पर क्या माता वाता आ जाती है, वो तो सबको ही मारने लगता है, एक को पूरा फिनिश कर देता है, एक को नॉक कर देता है, तीसरे बहुत वाले को बढ़िया भी भाई मार बहुत। देता है। तो गाइस यहाँ पे ये 1v3 क्लच कर देता है पैन से ही, यहाँ पे मैं पूरी आपसे स्क्वाड मार लड़ना देता है है। ब्रो आपसे तो मैं इसको लड़ेंगे कब बोलता हूँ कि अब मारेंगे, आप रुकिए जीत गए हील हो, करने आप दीजिए मेरे को मेरे मार को। दो, तो बट बोलता है कि नहीं मेरे को आपसे फेयर फाइट लेनी है, तो ये बंदा भी बहुत सही था तो मैंने बोला चलो ठीक है फेयर फाइट ले लेते हैं, आप भी हील कर लो। और ये जब हील के लिए रेडी होता है तो अब हम लोग रेडी होते हैं फाइनल बैटल के लिए, 1v1 पैन फाइट। तो जी गाइस हम लोग ये मैच जीत चुके हैं, इस बंदे को हेडशॉट पड़ गया था थैंक यू पैन भाई का, तो थैंक यू। इसीलिए ये एक बार में ही मर गया जल्दी। तो गाइस कैसा लगा आपको गेम प्ले मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और गाइस ऐसे ही गेम प्ले आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस इस वाले मैच में हम लोग ने 18 स्किल्स लिए है, मेरे लिए तो मैच बहुत सही गया था, ये बहुत सही मैच था, इसमें मेरे फैंस भी सपोर्टर्स भी मिल गए मेरे को एंड में, तो मेरे लिए बहुत सही मैच था। गाइस कुछ लोग बोलते हैं कि आप अपना टीयर दिखा दिया करो गेम के बाद या गेम के स्टार्टिंग में, तो गाइस मैं अभी आपको अपना टीयर दिखा देता हूँ, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मैं क्राउन 3 में हूँ यहाँ पर और मैं सोलो भी स्क्वाड ही खेलता हूँ। तो गाइस यही बस आपको बताना था, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या टेक केयर।